नमस्कार दोस्तों, रबाका टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आज आप लोगों को बताऊंगा टीपीटी के बारे में। तो इसका बारे में मैं बहुत बार चर्चा किया हूं दोस्तों आप लोगों के साथ, फिर भी बहुत से लोगों के बीच में ये कन्फ्यूजन रहा है। तो टीपीटी क्या है? टीपीटी का फुल फॉर्म है दोस्तों टैपिंग पैनल ड्राइनेज। आप टैपिंग करते हैं, टैपिंग करने के ठीक कुछ दिन के बाद, दो तीन महीने के बाद भी हो सकते हैं, कभी कभी एक हफ्ते के बाद भी आपका जो टैपिंग पैनल ड्राई होना शुरू हो जाता है और लेटेक्स आना बंद हो जाता है, तो इसे टैपिंग पैनल ड्राइनेज कहा जाता है। तो इसे ब्राउन बस भी कहते हैं। तो टीपीडी क्यों होता है? टीपीडी जो एक रीजन की वजह से नहीं होता है, जो टैपिंग चैनल सूख जाता है, एक रीजन एक ही वजह से नहीं होता है, बहुत सारा इसका वजह होता है। ये मुझे खुद प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से मुझे मिला है। अगर आप सांडा निकालने के बाद अगर टैपिंग करते हैं तो वो थोड़ा दो तीन महीने लेटेक्स देने के बाद वो जो है टैपिंग चैनल सूखने के लिए स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि सांडा में टैपिंग करने से फोटोथिनसिस का ये अपोजिट हो जाता है। फोटोथिनसिस के बारे में भी बात में बताऊंगा दोस्तों आप लोग को। तो हिंदी में इसे आलोक संश्लेषण कहते हैं। तो इसीलिए दोस्तों आपको जो सूर्योदय से पहले आपको टैपिंग फिनिश करना चाहिए, इसलिए इसको कहा जाता है। और दूसरा रीज़न ये हो सकता है, अगर आपका प्लांटेशन में अच्छा मेंटेनेंस नहीं है, तो मेंटेनेंस बोले तो आप तो अच्छा से वहाँ पर आप प्लांटेशन में एनपीके एक बार भी नहीं डाला, जब आपका 50 सेंटीमीटर गाठ हो गया, जब आप टैपिंग शुरू करते हैं, एटलीस्ट वहाँ पर आपको एक बार एनपीके देना है। साल में दो बार देना चाहिए, एटलीस्ट एक बार देना चाहिए। मैं बहुत से जगह पर गया हूँ तो एनपीके बहुत ही कम यूज़ करते हैं, यूज़ नहीं होने से भी थोड़ा दिन टैपिंग होने के बाद टैपिंग पैनल जो है सूख सकता है। और तीसरा रीज़न ये भी हो सकता है, आप किस सिस्टम में टैपिंग करते हैं। जैसे मैं पहले टैपिंग सिस्टम के बारे में मैं पहले चर्चा किया हूँ। टैपिंग सिस्टम मतलब अगर आप रेगुलर टैपिंग करते हैं तो रेगुलर टैपिंग करने से आपका ये टीपीडी होने का चांसेस होता है। रेगुलर टैपिंग मत कीजिए। आपका अगर वन सेट डीथी सिस्टम करेंगे तो बहुत ही बेहतर है। अगर आपका डीथी करने के लिए मुश्किल है तो आपका पैसा का आपको ज़्यादा जरूरत है, तो आप एटलीस्ट D2 में कीजिए दोस्तों टैपिंग। दूसरा और एक रीज़न हो सकता है, जब बारिश होते हैं, बारिश होने से जब सामना भिजा होता है तब आप टैपिंग नहीं करना चाहिए भिजा सामना में, वो भी एक टैपिंग चैनल सूखने का कहीं ना कहीं वो भी एक रीज़न हो सकता है। तो ये परफेक्टली मुश्किल है जो रीज़न किस किस वजह से होता है, तो मैं खुद प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में देखा हूँ कि इसकी वजह से ये ज़्यादातर ये जो है टैपिंग चैनल सूखता है। ओरेक्स इसके लिए टैपिंग चैनल सूखता है दोस्तों, वो है दोस्तों स्टिमुलेशन। जैसे हमें पता है कि स्टिमुल इस्तेमाल करके लेटेक्स को बढ़ा सकता है, एक्चुअली लेटेक्स बढ़ता नहीं है, जो लेटेक्स वेसल्स है वो बहुत देर तक एक्टिव करके रखता है, जिसके फलस्वरूप बहुत देर तक आपका लेटेक्स मिलता रहता है। तो इथिफोन इस्तेमाल में बहुत ही सावधानी बरतनी पड़ता है, क्योंकि इथिफोन को जो मिक्सिंग का जो कैलकुलेशन है वो अक्सर लोग गलत करते हैं। अगर 10% इथिफोन लेके आए तो चलो कोई बात नहीं है, उसको मिला सकते हैं। अगर 39% अगर आपको इथिफोन आपको बाजार में मिल गया, वो मिलाने का बहुत कन्फ्यूजन है, इसको कैसे मिलाया जाता है, मैं अच्छा से मेरा वीडियो बना में डाल के रखा हूँ, आप वो देख सकते हैं। तो अगर सपोज मान लीजिए आपका पैनल एप्लीकेशन में आपको 2.5% इथिफोन अप्लाई करना है, लेकिन आपने अगर 5% हिसाब से यानी 1:1 करके अगर स्टिमुलेशन के लिए अगर इथिफोन को मिलाएंगे, तो आपको अगर आपको लेस एप्लीकेशन में जब डालते हैं 5%, तो लेस एप्लीकेशन में डालने के टाइम में अगर पैनल में टास हो जाता है, जो कि पैनल में 5% नहीं होना चाहिए, खाली 2.5% होना चाहिए। तो 5% करके मिलाकर आप जब लेस एप्लीकेशन करते हैं, तो लेस एप्लीकेशन करने से कहीं ना कहीं आपका पैनल में ताश होता है, तो जिसके फलस्वरूप उसकी वजह से भी आपको टैपिंग पैनल ड्राइनेस हो सकता है। बागान में गया था दोस्तों, तो बागान में जाकर देखा कि वहाँ पर लगभग एक ब्लॉक में 20-30 पेड़ जो है टीपीटी हो गया था। पूछताछ करने के बाद पता चला कि वहाँ पर पिछले साल जो इथिफोन डाला था, तो मैं इथिफोन का कैलकुलेशन के बारे में पूछा तो वो गलत बताया, मतलब इथिफोन मतलब वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग करके बना दिया था, इसलिए हिसाब से बनाना है, जो फॉर्मूला दिया गया है उसी फॉर्मूला के जरिए आपको इथिफोन, उस फॉर्मूला के जरिए आपको इथिफोन को मिलाना है दोस्तों। ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाकर आपको एक पैनल एप्लीकेशन कर देंगे तो आपको पेड़ खराब हो सकता है, मतलब टैपिंग पैनल ड्राई हो सकता है दोस्तों। टीपीटी अगर होने से पहले कुछ लक्षण दिखाई देता है पेड़ में, मैं डायरेक्टली दोस्तों मैं आज आप लोग को फील्ड में लेके जाऊँगा, तो आइए बिना देरी करें शुरू करते हैं। फिलहाल
दोस्तों मैं रबर प्लांटेशन में हूँ, तो मैं आप लोग को दिखाऊंगा जो टीपीटी का जो पेड़ होता है कैसा होता है, किस तरफ से सूखता है, उसका जो मैं डायरेक्टली प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। टीपीटी असल में एक नॉन पैरासाइटिक डिजीज होता है जिसे हम ब्राउन बास के नाम से भी जाना जाता है। ये फिलहाल टैपिंग कर रहा है, ये देखिए ये पेड़ तो अच्छा है, बढ़िया से टैपिंग कर रहा है। मैं दोस्तों एक बात बताऊं कि जो टीपीटी का एक्चुअली मेन लक्षण क्या है। मेन लक्षण यह होता है कि लेट ड्रिपिंग होता है, मतलब आज आप टैपिंग किया, टैपिंग करने के बाद बहुत देर तक आपको जो लेटेक्स ड्रिपिंग होता ही रहता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि नेक्स्ट डे मॉर्निंग तक जो है आपका लेटेक्स ड्रिपिंग होता है। नॉर्मली हमारा जो नवंबर दिसंबर में आपका जो ये लेट ड्रिपिंग तो होता है ये सीजन वाइज, लेकिन अगर आपका जुलाई अगस्त मंथ में भी अगर आपको लेट ड्रिपिंग हो रहा है तब आप समझिए कि वो आपको ब्राउन बास होने का लक्षण है। अगर नवंबर दिसंबर महीना में अगर आपका टैपिंग करने के बाद भी नेक्स्ट डे मॉर्निंग तक ड्रिपिंग होता है, मतलब वो समझिए कि आपका ये टीपीटी होने का चांसेस होगा। तो आपको तुरंत ही ऐसा लक्षण मिलने से आपको टैपिंग रेस्ट देना है। वो टैपिंग रेस्ट देने के साथ ही साथ आपको वहाँ पर थोड़ा रबर कोट लगाना है जितना तक आप काट किया। तो ये देखिए ये जो आपका ब्राउन कलर का हिस्सा है ऊपर में, उन लोग लास्ट ईयर में जो टैपिंग हुआ था उसमें रबर कोट लगा के रखा है। फिलहाल इन लोग जो ये एक साल में ये जो साल है उतना काटा, तो ये अगर ये लक्षण देते हैं दिखाई देते हैं तो आप तुरंत ही उसमें रबर कोट लगाकर उसको जो काप हैंगर और स्पॉट शॉप निकाल कर उसको पेड़ को रेस्ट देना चाहिए। अगर हो सके तो अगर आपका रेनी टाइम में अगर ये सिम्टम दिखाई दिया, तो अगर रेनी टाइम में दिखाई दिया तो आप उसमें इंडोफिल एम 45 से आपको ये टैपिंग पैनल को वॉश करके उसके बाद आपको रबर कोट लगाना ज़रा बेहतर होता है। तो इंडोफिल एम 45 तो आप लोग को पता ही है, आपको 5 ग्राम लेना है एक लीटर पानी में लेके आपको वॉश करना है। दोस्तों ये देखिए ये पेड़ जो है ये ऑलरेडी ये सिम्टम मिला है, ये लक्षण है। ये नीचे का हिस्सा में थोड़ा लेटेक्स है लेकिन ऊपर में अब लेटेक्स नहीं है, मतलब नीचे में जो थोड़ा थोड़ा लेटेक्स आ रहा है थोड़ा दिन के बाद वो भी बंद हो जाएगा। तो ये इसको ये आप लोग को खाली टैपिंग करके मैं दिखाने के लिए आप लोग को टैपिंग करने के लिए बोला, लेकिन टैपिंग आप लोग मत कीजिए। ऐसा अगर सूखा हुआ ये टैपिंग पैनल अगर ड्राई हो जाता है तुरंत ही उसको आपको टैपिंग रेस्ट देना है। ये देखिए ये बिल्कुल सूख गया है दोस्तों, इसका जो परफेक्टली आप बता नहीं सकते हैं किस वजह से होता है। जैसे कि मैं पहले आपको एक्सप्लेन किया था उसको रीज़न हो सकता है लेकिन परफेक्टली बोल नहीं सकता है, और इसका कोई आपको परमानेंट इलाज नहीं है, टैपिंग रेस ही उसका मेन इलाज है। तो जी हाँ दोस्तों, आज के लिए इतना ही था, फिर मिलते हैं, धन्यवाद।